स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। कतर में 2019 में ड्रग्स मामले में 10 साल जेल की सजा पाने वाले मुंबई के एक दंपति ओनिबा और शारिक कुरैशी गुरुवार को अपनी बेटी के साथ वापस भारत लौट गए। ड्रग्स रखे जाने के मामले में दोषी पाए गए दंपति के परिवार वालों ने भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद एनसीबी ने कतर में अधिकारियों से संपर्क किया था। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि परिवार गुरुवार रात करीब 2:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा था। दंपति को पहले कतर की निचली अदालत ने ड्रग्स मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। बाद में पता चला कि किसी रिश्तेदार ने उन्हें बिना बताए उनके बैग में ड्रग्स रखा था, जिसके बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। दंपति को जुलाई 2019 में कतर के अधिकारियों ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4.1 किलोग्राम हशीश के साथ गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में ये पता चला कि शारिक कुरैशी के रिश्तेदार तबस्सुम कुरैशी ने ड्रग्स की तस्करी के लिए उनका इस्तेमाल किया। तबस्सुम ने ही उनकी यात्रा का बंदोबस्त भी किया था। घटना के वक्त शारिक जापान की एक कंपनी में कार्यरत थे और ओनिबा को अपने गर्भवती होने का पता चला था। ओनिबा ने पिछले साल फरवरी में जेल में बेटी आयत को जन्म दिया था। दंपति के परिवार वालों ने भारत सरकार से संपर्क कर मामले में दखल देने की मांग की थी। इसके बाद एनसीबी ने कतर में अधिकारियों से संपर्क किया। दंपति ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। अंत में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उनके रिश्तेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे भारत सरकार और एनसीबी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने ओनिबा और शारिक की सुरक्षित स्वदेश वापस सुनिश्चित की। उनके माता पिता और दूसरे रिश्तेदार भी उनके पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीडी न्यूज़। साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।